की रेड। सीमावर्ती जिले नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा 3 विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर रिकॉर्ड को खंगाल रही है। पता चला है कि एनआईए की टीम ने गुरप्रीत सिंह गैंगस्टर तलवंडी भाई और फिरोजपुर सतिया वाले चौक पर मथारो कंबाइन वाले के घर पर छापेमारी की गई है। वहां पर किसी को भी बाहर से अंदर और अंदर से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम कुलविंदर सिंह, फादर नाम अवतार सिंह जी, मैं तलवंडी भाई का रहने वाला जी। हाँ, कुछ कु दिन पहला कोई मैनू कॉल आई थी मडीला से, मेरा कोई दुनिया का फ्रेंड सीगा जी, उन्होंने मैंने फोन किया तो मैं गड्डी चलाता सी, मैं उन्हें कॉल नहीं चुकी, मैं गल नहीं हुई। उदू अगले दिन मैंने कॉल आई व्हाट्सएप पर, तो गलबात हुई तो मैंने आंता भी अपन बाइक चाहिए 2 नंबर का, कि मैंने कितों पता करके दे जो कि तेरे लिंक च हैगा वो दस। मैं उन्होंने जवाब दिता भी मैं ये काम नहीं करता, कि मैं आप साइकिलों का काम करता, पंचर का काम करता। तो उदू अद्धे घंटे बाद मैं ब्लॉक किया जी, तो मैंने थोड़े कु दिन बाद ही 2-3 दिन बाद अपने CID वाले आए करके 5 बजे आए जी मैंने लैन वास्ते। उन्होंने पुछ पड़ताल की मेरे को, मैं उन्होंने यही दसिया वो आंधे भी तेरे लिंक कैसे जानकारी देने की कैसे। मैं उन्होंने दसा जी मेरी उत्थे 10 साल हो गए मैं काम कर रही साइकिलों का, बस स्टैंड सी मेरी दुकान के स्कूल में, उत्थे बेंदे बुंदे सी चाह पानी पूरी पीते सी, हाय हल्ले होंगी साड़ी जी। तो इन्ना कोई लिंक नहीं अपने है गई, तो अपने जो बाहर गया उन्हें मैंने यही फोन किया भी मैंने मोशन दवा, पर मैं ना करती। तो मैं हूँ थोड़े कुछ दिन बाद जो आए आ अज फिर आए आ जी, मैं बेनती करता वा कि भी सू फारग किया जाए इस काम से, भी साडा कोई लिंक नहीं उन्होंने। मैंने 2 बारी फोन आया उन्होंने तो मैं परेशान हो गया, मैं आप मेरे घर भी परेशान है जी। जैसा होना सुबह जो करके 5 बजे आए जी, मेरे फादर साहब ने बुआ खोलिया और टैग के मरीज है जी, तो तेरा टेंशन लै गए भी मुलाजिम आए कि गलों आए हैं की गलबात होगी। मेरे माता भी थोड़े जे है टैग की शिकायत जी, एक बच्चे छोटे वो डर जाते हैं जी। चलो फिर भी असी हिम्मत की भी उन्होंने जो जो सवाल किए उन्होंने जवाब दिए, उन्होंने बेनती करते भी सू इस काम चो रिहा क्या जाए जी। एन स्टार न्यूज़ के लिए फिरोजपुर से सुखचंद सिंह की रिपोर्ट।